प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उससे क्या लगता है, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है उनकी वजह क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नतीजे वो बहुत स्पष्ट हैं कि किस तरह से कट्टरता और धार्मिक भावनाओं को का उपयोग करके चुनाव को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये बेस्पष्ट किस तरह की भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने वहाँ पर किया है। जो जो जनादेश मिला उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बढ़त मिली, कांग्रेस पार्टी जीती है वहाँ पर। और वही पंजाब जहाँ पर प्रधानमंत्री कई बार भाषण देने गए, वहाँ पर मात्र भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अलग ही चुनाव था और पूरी कट्टरता का पर ये चुनाव लड़ा गया, जनादेश हम मान्य करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में भी सामने चुनाव है, क्या लगता है आपके नेता स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता इसी वजह से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? कार्यकर्ता एकजुट है। 22 फरवरी का आंदोलन आपने देखा होगा, कितनी तादाद में 70-80 हज़ार कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में उपस्थित हुआ था। तमाम नेता एक मंच पर आपने देखे थे, तमाम नेता और कार्यकर्ता मिलकर 18 के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। तमाम नेता तो थे, लेकिन एक नेता कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा मध्य प्रदेश के लिए कि नेता कौन होगा। कभी परंपरा कांग्रेस नहीं रही है, चुनाव होगा नतीजों के बाद कौन मध्य प्रदेश को लीड करेगा दिल्ली तय करेगी। सर, अभी इस समय एक अफवाह पर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है, काफ़ी चर्चा की जा रही है, वो है कि सीएम शिवराज को दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को वॉकओवर मिल रहा है? जानकारी में तो नहीं है, प्रधानमंत्री जाने और मुख्यमंत्री जाने। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।